पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स की दुनिया का सम्राट 1991 में कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट करके पाब्लो ने सरेंडर किया और जेल चला गया। पर कैसा जेल? जेल जो 5-स्टार होटल से कम नहीं था। जेल का नाम था ला कैथेड्रल, पाब्लो एस्कोबार की पर्सनल जेल, जो पाब्लो के लिए सजा कम और मजा ज्यादा था। उस जेल में पाब्लो को पहली बार हेलीकॉप्टर में लाया गया। जेल में सभी तरह की सुविधाएं थी, बेडरूम में सर्कुलर रोटेटिंग बेड, बाथरूम में जकूजी, एक बड़ा फुटबॉल का फील्ड, एक पार्टी क्लब, उसके बच्चे के लिए खिलौने का घर, अपना बार, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सेलुलर फोन, रेडियो ट्रांसमीटर और फैक्स मशीन, जिससे पाब्लो एक दिन में $60 मिलियन कमाने लगा। उसके पास 80% US को सप्लाई करने वाला ड्रग्स का कंट्रोल था। जेल में रहते हुए भी वो अपने परिवार से मिलता था, फ्रेंड्स के साथ जुआ और फुटबॉल खेलता था और लड़कियां लाता था। ऐसी अय्याशी कौन करता है? ऐसे बढ़िया वीडियोस देखने के लिए नो मोर ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें और अगर इंस्टाग्राम में हैं तो फॉलो करें।